नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने फैक्ट्री यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं द 100 मेंस का जो आज मुकाबला खेला जाएगा, मैच नंबर 13 बर्मिंगम फियोनिक्स ओमेन मतलब नहीं मैन वर्सेस यहां पे सदर ब्रेव के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। अब यहां पे मैंने ओमेन क्यों बोल दी, क्योंकि जस्ट इससे पहले मैं वीडियो कवर कर रहा था बर्मिंगम फियोनिक्स ओमेन का, ठीक है। और हाँ, वेन्यू को लेके बात कर लेंगे, वहीं पे खेला जाएगा जहां पे ओमेन के मुकाबले खेले जाएंगे, एजवेस्टन बर्मिंगम में। शाम के होंगे 7:30 मुकाबला, मतलब टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद, अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटी सी काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकाल के सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर हम बात कर लेंगे एजवेस्टन बर्मिंगम के स्टैट्स को लेके, तो यहाँ पे विटालिटी T20 ब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस T20 को लेके मैं कंसीडर किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आपको एवरेज स्कोर 170 टू 180 के बीच में देखने को मिलेगा, हाईएस्ट टोटल 242, लोएस्ट टोटल 63। वेन्यू T20 स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, टोटल मैच खेला गया 106, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के पास अच्छा एज रहा है, 62 मुकाबला जीता है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 43 मुकाबला। T20 स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, विलियम स्कोर 150 बने 30 टाइम्स, बिटवीन 150 टू 169 बने 33 टाइम्स, बिटवीन 170 टू 189 बने 18 टाइम्स, और एवव 190 भी बने 25 टाइम्स। मतलब आप ये मान के चलो कि इस वेन्यू पे ठीक ठाक रन बनता है। अगर आपको किसी विकेट का एक्चुअल नेचर जानना हो तो वहां पे जो रिसेंट मुकाबले खेले गए ना, उस पे आपको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा विटालिटी T20 ब्लास्ट के मुकाबले खेले गए थे 19 जुलाई 2024 को, यहाँ पे वार बनाई थी पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्विक शायर की टीम 20 ओवर में 194 5 विकेट नुकसान पे, और लिस्ट शायर की टीम लगाती है 16.4 ओवर में मात्र 162 रन 10 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग 64 स्पिनर 1, सेकंड इनिंग 64 स्पिनर 6 विकेट। इससे पहले वार्विक शायर 20 ओवर लगाती है 198 2 विकेट नुकसान पे, डर्बी शायर की टीम लगाती है 19.2 ओवर में 154 रन 10 विकेट नुकसान पे, फर्स्ट इनिंग 62 स्पिनर 0, सेकंड इनिंग 64 स्पिनर 6 विकेट। इससे पहले 12 जुलाई 2024 को वर्सेस्टर शायर की टीम लगाती है 17 ओवर में 187 रन 6 विकेट नुकसान पे, वार्विक शायर की टीम लगाती है 15.2 ओवर में 132 रन 10 विकेट नुकसान पे, रेंज बाधित मुकाबला ये होता है, जहां पे फर्स्ट इनिंग में पेसर को मिलते हैं 1 विकेट, स्पिनर खाते हैं 5 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 7 स्पिनर 2 विकेट। अब अगर हम बात करेंगे लास्ट के 4 T20 मैच जो यहाँ पे खेला गया है, पेसर्स को मिले 26 विकेट, और स्पिनर भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, इनको भी मिला है 26 विकेट, स्पिनर को, पेसर को 29 विकेट। अब यहाँ पे आइए हम फटाफट बात कर लेते हैं, दोनों टीम जब हेड टू हेड में आमने सामने आई है तो क्या हुआ है। दोनों टीम 4 दफा आमने सामने आई है, जहां पे सदर्न ब्रेव की हाई क्वालिटी बॉलिंग टीम जीती है 3 दफा, और बर्मिंगम की टीम जीती है मात्र 1 दफा। बर्मिंगम की लास्ट 5 मैच को लेकर बात करेंगे, विन विन लॉस विन लॉस, वहीं अगर बात कर लेंगे सदर्न ब्रेव की, विन लॉस विन लॉस विन करके ये टीम आ रही है, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल साथ में आसमान पे होंगी। लास्ट मुकाबला में सामने वाली टीम को 10 बॉल में मारने के लिए था 13 रन, और इनके स्टार गेंदबाज उभरता हुआ सितारा डी मॉसले उसको सेव करके चले जाते हैं। ओवरऑल कांटे की मुकाबला होंगी, जहां पे मुझे लगता है यहां आपको उलटफेर देखने को मिल सकता है, बर्मिंगम की टीम इस मैच को विन कर सकती है। लास्ट मैच को लेकर बात करेंगे, तो जब बर्मिंगम फियोनिक्स खेल रही थी, मैंने कहा ना कि 10 बॉल में 12-13 रन चाहिए थी, और उसमें 6 रन से ये टीम विन भी कर गई थी, जहां पे डोनाल्ड किए थे 7 रन, इनके अलावा डकेट 21, लिविंगस्टन 30, मोइन अली 4, मोस्ली 11, बेटल 46, हॉवेल 4, और लिस किम्बर के थे 12 रन। गेंदबाजी में एडन मिल ने 20 बॉल 20 रन 2 विकेट, टिम सॉवदी 20 में 24 रन 1 विकेट, सीन एवर्ट 15 में 35, और ध्यान रखिएगा इस विकेट पे सीन एवर्ट को अच्छा विकेट मिल सकता है, वेनी होवेल 20 में 19 रन 1 विकेट, लिविंगस्टन 5 में 13, मोइन अली 5 में 5, और डी मॉसले 15 बॉल 9 रन 3 विकेट। बात करूं यहाँ पे सदर्न ब्रेव को लेके, लास्ट मुकाबला 7 विकेट से जीत के आ रही है, जहां पे एलेक्स डेविस 24 किए थे, जे विंस 20, लिस डुप्लेक्स 21,
जेम्स को 10 रन और इवांस किए थे 25 रन। गेंदबाजी में अकील हुसैन 20 में 23 रन 0 विकेट, क्रेग ओवरटन 20 में 11 रन 2 विकेट, डैनी विक्स 20 में 28 रन 0 विकेट, टाइमल मिल्स 20 में 26 रन 2 विकेट, क्रिस जॉर्डन 20 बॉल में 25 रन 2 विकेट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, डकेट, मोइन अली, मोस्ले, यहाँ पे बिटल, चार चार लेफ्टी है, मतलब यहाँ पे अकील हुसैन और डैनी विक्स आपके लिए बहुत ज्यादा तगड़े मटेरियल पिकेबल नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पे इनके साइड से या तो दिखेंगे कोई एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज खेलते हुए, देखने वाली बात होंगी ये टीम लेके जाती है कि नहीं, या फिर यहाँ पे जे कोल्स ठीक ठाक ओवर डाल सकती है। सामने वाली टीम में अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे मात्र आपको दिखेंगे एल्डू प्लॉय लेफ्टी, और नीचे में मुझे कोई लेफ्टी दिख नहीं रहा है, अकील वगैरह काफी नीचे बल्लेबाजी करेगा। तो यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन प्लस मोइन अली जो है, और यहाँ पे डी मोस्ले, इनके सामने गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस डी मोस्ले डेथ में आके किसी के सामने भी गेंदबाजी कर सकता है। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं सदर्न ब्रेव की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। आपको दिखेंगे ओपनर एलेक्स डेविस, उनके साथ जेम्स विंस, एल डुप्लॉय, एल लिवांस, उसके अलावा किरण पोलार्ड हो सकता है ये भी आज के मैच में गेंदबाजी कर ले। उसके बाद जेम्स कोल्स, क्रिस जॉर्डन, क्रेग ओवरटन, अकील हुसैन, टाइमल मिल्स, डैनी विक्स, टाइमल मिल्स का 20 बॉल कन्फर्म है, और हाँ जेम्स मिल्स का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इन्होंने कहा कि मैंने जो है जोफ्रा आर्चर को रेस्ट नहीं दिया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB ने इनको कहा है उनको रेस्ट देने के लिए। अब उनको कितना मैच रेस्ट देने के लिए कहा था वो देखने वाली बात होंगी, एक मैच या फिर दो मैच या फिर तीन मैच। अगर उनको सिर्फ एक मैच के लिए कहा गया होगा तो आपको इस मैच में डायरेक्ट दिखेंगे कौन, जोफ्रा आर्चर, टाइमल मिल्स 20, ओवरटन 20 और जॉर्डन 20, ये तो भाई कन्फर्म है। उसके अलावा अगर जोफ्रा खेल जाते हैं तो उनका भी 20 कन्फर्म है। अदरवाइज डैनी विक्स का 10 से 15 बॉल सामने लिफ्टी बहुत जाते हैं, अकील का 10 से 15 बॉल, और मुझे लगता है इस मैच में किरण पोलार्ड भी 10 बॉल डाल सकते हैं अगर यहाँ पे जोफ्रा नहीं खेलते हैं तो, और 5 से 10 बॉल आप इनसे भी उम्मीद करके चल सकते हो, नाम है जेम्स कोल्स। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके। एलेक्स डेविस हेड टू हेड 3 मैच में 75 रन, वेन्यू पे 31 मैच में 567 रन, 20 का एवरेज है, रिसेंटली 24-28-1-31-2। जेम्स विंस हेड टू हेड 4 मैच में 99 रन, 25 का एवरेज, वेन्यू पे 12 मैच में 315 रन, 28 का एवरेज है, रिसेंटली 20-19-56-41-23। ध्यान रखिएगा हेड टू हेड में सिर्फ मैंने यहाँ पे 100 वाले मैच को कंसिडर किए हुए, लेकिन वेन्यू पे मैंने विटालिटी, T20 ब्लास्ट, प्लस जो प्लेयर इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं उस स्टैट्स को भी मैंने पूरा मेंशन करके आपको दिया हुआ है। अगर हम बात कर लेंगे एल्डू प्लॉय को लेके, तो इनका देखिएगा हेड टू हेड 2 मैच में 16 रन किए हुए, वेन्यू पे 7 मैच में 242 रन, और एवरेज है 41 का, रिसेंटली 21-1-23-6-73। जेम्स कोल्स को लेके बात कर लेंगे, रिसेंटली 10-26 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 26 रन 0 विकेट। एलिवांस को लेके बात करें, हेड टू हेड 3 मैच में 40 रन, वेन्यू पे 36 मैच में 596 रन, 24 का एवरेज, T20 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, 100 में थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छे पिक हो सकते थे। रिसेंटली 25-5-1-4-8 किरण पोलार्ड, वेन्यू पे 2 मैच में 9 रन 3 विकेट 2 विकेट, और रिसेंटली 37-33 रन 1 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 4 रन 2 विकेट, डू नॉट बैट। उसके बाद आपको दिख जाएंगे क्रिस जॉर्डन, हेड टू हेड 4 मैच में 37 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में जबरदस्त 13 विकेट प्लस 50 रन, रिसेंटली 2 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट। क्रेग ओवरटन नए बॉल से विकेट लेके जाएंगे, हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में 5 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 3 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। अकील हुसैन 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। लास्ट मैच में इनके बॉल पे फिलिप साल्ट का इजी कैच ड्रॉप हो गया था। इनके बाद टाइमल मिल्स, हमारे लास्ट मैच में कैप्टन क्रिस जॉर्डन, VC टाइमल मिल्स, और हम लोग किए थे वन साइडेड क्लीन स्वीप, हेड टू हेड 4 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। डैनी ब्रिक्स बड़ा नाम, अगर सामने लेफ्टी ज्यादा नहीं होते तो मैं इनको जरूर बैक करता, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क बन गया है, क्योंकि ये नॉर्मली अपना स्पेल लेके आते हैं 25 बॉल के बाद, 30 बॉल के बाद, और वहीं से इनका लेफ्टी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिन डकेट ऊपर, मोइन अली, डी मोस्ले, जैकब बीतल लेफ्टी भरे पड़े हैं, तो इनका ओवर कट सकता है। रिसेंटली देखिएगा लास्ट मुकाबला 0 विकेट, इनके बॉल पे भी 2 कैच ड्रॉप हुआ था, अदरवाइज यहाँ भी 2 विकेट होता, फिर 3-2-3-2, मतलब लास्ट के 5 मैच में 2-3-5-2-7-3-10 विकेट ले चुके हैं, जबकि लास्ट मैच में विकेट इनको नहीं मिला था। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करेंगे, अकील हुसैन,
क्रेग ओवरटन और डेनी ब्रिक्स में भी डाल सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम है डेनी ब्रिक्स का, डेथ में जॉर्डन टाइमर मिल्स और डेनी ब्रिक्स। बेंच पे बात करेंगे, आपको दिख जाएंगे रेहान अहमद, इनको लगता है कि मुझे एक स्पिनर को ड्रॉप करके ये लोग डेनी ब्रिक्स या फिर अकील हुसैन को ड्रॉप करके रेहान अहमद को ले सकते हैं। फिर आपको दिख जाएंगे डेनियल हुजेज और जोफ्रा आर्चर। अब देखिएगा रेहान अहमद का एक्टिवेट, एक मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 5 विकेट है। जोफ्रा का वेन्यू पे 3 मैच में 6 विकेट है। जियोस गॉर्डन अगर खेलते हैं तो मिनी जीएल जीएल में ट्राई कीजिएगा, बाकी मुझे इनके पास कोई ऑफ ब्रेक गेंदबाज दिखी नहीं रहा है। इनको अल्टीमेटली जोफ्रा आर्चर को मुझे लगता है इस मैच में लेना ही पड़ेगा। अगर हम बात कर लेंगे बर्मिंघम फिनिक्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, वो आपके सामने है। इस टीम की गहराई ये है कि इनके पास बैटिंग यूनिट काफ़ी नीचे तक है, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत बल्लेबाजी एडन मिलने भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें टीम की कमजोरी, तो इनकी जो है वो कमजोरी करी यहीं से शुरू हो जाता है। वैसे लियाम लिविंगस्टन के बाद कोई विश्वसनीय बल्लेबाज बहुत ज़्यादा नहीं है, और डोनाल्ड से भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा। विश्वसनीय बल्लेबाज इनके पास बिन डकेट और लियाम लिविंगस्टन ही है। अब गेंदबाजी में बात कर लेते हैं, सऊदी 20 बॉल डालेंगे, पहले पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर देखते हैं। डोनाल्ड के बाद दिखेंगे बिन डकेट, लिविंगस्टन, मॉसले, मोइन अली, जैकब बीटल, वेनी होवेल, लुइस किम्बर, सीन एवर्ट, एडन मिलने और टीम सऊदी। सऊदी का 20, मिलने का 20, सीन एवर्ट का 20, उसके अलावा मुझे लग रहा है कि जैसे लास्ट मैच में मॉसले गेंदबाजी किए कम से कम 15 बॉल तो ये भी डिजर्व करते हैं। फिर यहाँ पे वेनी होवेल का कटर यहाँ पे कामयाब होगा तो 20 बॉल, ये भी जरूरत पड़ने पर 5 बॉल मोइन अली, और 5 से लेकर 10 बॉल आप देखोगे यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन को डालते हुए। जिसका ओवर नहीं कटेगा चांसेस हैं वो टीम सऊदी, एडन मिलने, सीन एवर्ट होंगे। अब अगर हम बात करें प्लेयर स्टैट्स को लेके, पहला नाम ए डोनाल्ड, ये प्लेयर ऐसे है ना कि 5-7 मैच के बाद एक मैच में कोई आंधी तूफान वाली नौ खेल देंगी, उसके बाद लगातार फ्लॉप जाएंगी। वेन्यू पे 3 मैच में 64 रन, रिसेंटली 7-1-1-11-28 विन डकेट। T20 फॉर्मेट में या फिर 100 वाले फॉर्मेट में जितनी तारीफ करें उतनी कम, टेस्ट को भी वैसा भी उसी तरीके से खेलते हैं। हेड टू हेड 5 मैच में 127 रन, 26 का एवरेज। वेन्यू पे 20 मैच में 496 रन, 32 का एवरेज। रिसेंटली 21-71-76-3-39। लियाम लिविंगस्टन हेड टू हेड 4 मैच में 160 रन, 1 विकेट। वेन्यू पे 22 मैच में 318 रन, 8 विकेट। रिसेंटली 30 रन, 0 विकेट, 4 रन, 0 विकेट, 0-36 रन, 1 विकेट, 54 रन, 1 विकेट। अब यहाँ पे फिर से हमारा ध्यान जाएगा डी मोसले के ऊपर, चूंकि कैप्टन वीसी के अच्छे मटेरियल है। रीजन क्या है कि हेड टू हेड 1 मैच 11 रन, 1 विकेट। वेन्यू पे 22 मैच में 598 रन, 32 का एवरेज, 26 विकेट। रिसेंटली 11 रन, 3 विकेट, 39 रन, 0 विकेट, 1 रन, 0 विकेट, 11, 0 रन, 1 विकेट। मोइन अली हेड टू हेड 4 मैच में 54 रन, 2 विकेट। वेन्यू पे 33 मैच में 1013 रन, 32 का एवरेज, 30 विकेट। रिसेंटली 4 रन, 0 विकेट, 0 रन, 0 विकेट, 1-103 और 0 रन, 0 विकेट। जैकब बीटल हेड टू हेड 1 मैच में 0 रन, वेन्यू पे 16 मैच में 239 रन, 5 विकेट। रिसेंटली 46 पे नवाज, 43, 22-19 रन, 2 विकेट। इनके अलावा आपको दिख जाएंगे यहाँ पे बेनी होवेल, कटर के लिए फेमस गेंदबाज रह रहे के कुछ बेहतरीन नौकरी बल्लेबाजी से 20-25 का कर देंगे। हेड टू हेड 4 मैच, 35 रन, 2 विकेट। वेन्यू पे 14 मैच में 140 रन, 17 विकेट। रिसेंटली 4 रन, 1 विकेट, 24 रन, 1 विकेट, 24, 0 विकेट, 13 रन, 0 विकेट। लुइस किम्बल वेन्यू पे 2 मैच, 23 रन, 1 विकेट। रिसेंटली 12-2-6-21-53। सीन एवर्ट हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 9 रन और जबरदस्त 4 विकेट। रिसेंटली 0 विकेट, 4 विकेट, 4 रन, 0 विकेट, 18 रन, 3 विकेट और 3 विकेट। एडन मिलने, ध्यान रखिएगा बॉलिंग फर्स्ट में इनके ऊपर आप कैप्टन वीसी का भी दौर लगा सकते हो। हेड टू हेड 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 11 विकेट। हल्का सा भी अगर इनको सीम मिलने लगा तो ये 140, 139, 142 उस पे सीम और स्विंग करवाने लगते हैं। रिसेंटली 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। टीम सऊदी वेन्यू पे 2 मैच में जबरदस्त 5 विकेट। रिसेंटली 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, आपको दिखेंगे एडन मिलने, टीम सऊदी, सीन एवर्ट। डेथ में बात करेंगे, आपको दिखेंगे एडन मिलने, टीम सऊदी और डी मोसले। बेंच पे दिखेंगे ऋषि पटेल, नसीम शाह, क्रिस वोक्स, जेम्स फुलर तो इंजर्ड है थोड़ा सा, जे स्मिथ और टॉम हिलम। अब देखने वाली बात होंगी क्रिस वोक्स कब खेलना स्टार्ट करते हैं, स्क्वाड के साथ तो जुड़ चुके हैं। सेम बातें जो है जे स्मिथ को लेके भी लागू होता है। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारी टीम में जो भी फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक।
उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। फिलहाल मैंने विकेट के पीछे एलेक्स डेविस को लिए, बैटिंग से डकेट और लिविंगस्टन को लिया हुआ है, ऑलराउंडर से क्रिस जॉर्डन, बेनी हॉवेल, क्रेग ओवर्टन, डी मोस्टले को लिए, बॉलिंग से टिम सॉडी, एडन मिलर, सीन एवर्ट और टाइमल मिल्स को लिया हुआ है। कैप्टनसी की बार मैंने यहाँ पे सौंपे हैं क्रिस जॉर्डन को, विजी मैंने दिए डी मोस्टले को, इनके अलावा बेन डकेट, लिविंगस्टन और यहाँ से आपके लिए कैप्टन वीसी के मटेरियल हो सकते हैं कौन, सीन एवर्ट, टाइमल मिल्स। स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट केस में सीन एवर्ट आपके लिए कैप्टन वीसी के ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।